बिग बॉस 13 में रश्मि देसाई ने सब कुछ भुलाकर अरहान खान से फिर से बात करनी शुरू कर दी है। दोनों एक साथ मस्ती मजाक करते हुए भी नजर आए, लेकिन सलमान खान के खुलासे के बाद अरहान को लेकर एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। रश्मि के भाई गौरव देसाई ने वीकेंड का वार में जो कुछ भी हुआ उस पर प्रतिक्रिया दी थी। इस बीच अरहान ने शो के अंदर रश्मि के सड़क पर आने की बात कही। अरहान खान की यह बात सुनकर रश्मि के भाई भड़क उठे और उन्होंने इन सब बातों को झूठा बताया। स्पॉट बॉय से इंटरव्यू के दौरान गौरव ने अरहान खान के इस बयान पर चुप्पी तोड़ी है। गौरव देसाई ने कहा, मेरी बहन कभी भी सड़क पर नहीं आई थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि यह इंसान इस तरह की बातें करके रश्मि की छवि को क्यों नुकसान पहुंचा रहा है। अपने पार्टनर के मुंह से यह सब सुनना कोई साधारण सी बात नहीं है। इससे पहले वीकेंड का वार में जो भी हुआ उससे वैसे ही हम लोग परेशान हैं, ऊपर से इस तरह की बात, यह सब बेतुकी बातें हैं। गौरव से जब रश्मि के घर में प्लानिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने उन्हें घर में कई बार अपने लिए स्टैंड लेते हुए देखा है, परंतु कई बार वह कहीं खो जाती हैं। मुझे पता है कि वह कई सारी चीज़ें कर सकती हैं। उन्हें समझना होगा कि वह योद्धा हैं और अकेले किसी भी परिस्थिति से लड़ सकती हैं, किसी की भी सहारे की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले गौरव ने अरहान की पोल खुलने पर कहा था, मैं भी यह जानकर हैरान हूँ, मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये जो कुछ भी हुआ उसने हम लोगों को परेशान कर दिया है। हालांकि वह घर के अंदर हैं और हम लोगों की दुआएं उनके साथ हैं, उन्हें बाहर आने दीजिए और जो भी हुआ उस पर उनकी क्या राय है ये जानेंगे, यह उनकी ज़िंदगी है। हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं लेकिन फैसला उन्हीं का होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शो में अरहान ने अपनी पोल खुलने के बाद शेफाली बग्घा से रश्मि के बारे में बहुत बड़ी बात कह दी थी। अरहान ने कहा था, रश्मि देसाई खत्म हो चुकी थी, उनका करियर गिर चुका था। जब मैं रश्मि देसाई से मिला था तो वो सड़क पर आ चुकी थी और उनके अकाउंट में जीरो बैलेंस थे। मैं रश्मि देसाई को उस जगह से उठाकर इस जगह लाया हूँ और इन सभी के पीछे मेरा हाथ है। वो मैं जानता हूँ कि मैं रश्मि देसाई की कितनी हेल्प किया हूँ, कितनी मदद किया हूँ। तो ये सब बातें अरहान ने रश्मि देसाई के बारे में कही थी। जी हाँ दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बगल की घंटी को भी दबा दीजिएगा।